ऑल राइट गाइस, सो ये वीडियो उन लेडीज़ के लिए जिन्हें अपने पति से ज़्यादा दिक्कत होती है, तो वो दो तीन काम करें और अपने आप पता चल जाएगा उनको। तो पहला काम क्या करें, पहला काम करें किसी दिन एक या दो दिन विधवा औरतों के साथ गुजार के देखें, उन्हें पति की इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी। जो तुम लड़बड़ के जाते हो ना अपने घर चले जाते हो और फिर बाद में हस्बैंड के ऊपर ही वो कर देते हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांट देता है ना वो वाला। यार अब एक बात बताओ आप मेरे को, जनरली 17 साल से ज़्यादा आप मायके में रहे हो, ठीक है, 20-25 साल मायके में रहे हो, उसके बाद ही तो तुम्हारी शादी होती है। मायके वालों ने भी तो तुम्हें ऐसा तो हुआ नहीं होगी 20 साल में तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया, 20 साल में तुम्हें कोई डांट नहीं लगाई, 20 साल में या तुम्हारे साथ कोई मतलब मिसबिहेव नहीं किया होगा, करा होगा ना। वहाँ तो तुमने कभी FIR नहीं कराई, वहाँ तो तुमने कभी उनको थाने में जाके नहीं खड़ा करा, ये कर रहे हैं मेरे को वो कर रहे हैं। जैसे तुम ससुराल में आते हो और तुम्हारी बात नहीं बनती तो तुम उनको वो कर देते हो, भाई इसने तो मेरे साथ ऐसा करा ऐसा करा। पहली बात तो ना, एक शादी को ना समझो, तुम कंसेप्ट को समझो, शादी क्या है। क्या है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं किसी के घर जा रहा हूँ तो वहाँ क्या होगा, जो उनका माहौल होगा वही होगा ना। अब मान लो मैं किसी के घर जाता हूँ तो वो जो खाएंगे वही मेरे को खिलाएंगे ना, जैसी उनकी औकात होगी वैसे ही मेरे को खिलाएंगे ना, समझ रहे हो। अब मैं उनको ये थोड़ी ना कह सकता हूँ, नाना भाई तुम गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, मतलब मेरी मर्जी चलाओ, ऐसा होगा नहीं होगा ना। तो शादी में भी क्या होता है, शादी में तो ये होता है, लड़की किसी के घर जाती है, 4 फेरे हो जाते हैं, 7 फेरे हो जाते हैं, बस एक फिजिकल रिलेशन का राइट मिल जाता है और वहाँ रहने का राइट मिल जाता है। चीज़ तो वही है, जा तो वही रही है लड़की, समझ रहे हो। तो उसके हिसाब से चलेगा ना घर में, लड़के के हिसाब से चलेगा ना घर में, तुम्हारे हिसाब से थोड़ी ना चलेगा। इतनी तुम्हें अपनी ही वो चलानी है तो अपने घर रहो, अपने बाप को बोलो भी मेरे को शादी मत करो, यहीं रहने दो। क्यों, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हें खुद रखने के लिए तैयार नहीं है। है, सोसाइटी है भाई, सोसाइटी नहीं रखेगा वो। तुम कह देना मेरे को शादी नहीं करनी, एक बार कह के देखना डैड डैडी से, पता चल जाएगा। लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, तो शादी भी तो वही है भाई, तुम्हें उसके घर रहना है ना, तो उसका उसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तुम्हारी मर्जी चल नहीं रही वहाँ, तुम केस कर देते हो, इसने तो मेरे से ऐसा कहा, इसने तो मेरे से दहेज मांगा, इसने तो मेरे से ऐसा करा। भाई तुम कंसेप्ट को समझो भाई ना, कंसेप्ट को समझो। जैसे नॉर्मल पर्सन किसी के घर जाएगा तो भी वहाँ उसकी मर्जी नहीं चलती ना, जिसके घर जाएगा उसकी चलती ना, जो वो खिलाएंगे जो वो पिलाएंगे जैसे वो सुलाएंगे ऐसे काम करना पड़ेगा ना। तो शादी में तो यही हो रहा है बस, शादी में फेरे हो जाते हैं और सेक्सुअल इंटरकोर्स का राइट मिल जाता है बस, और क्या होता है, और बताओ और क्या होता है। यही तो होता है मेन, तो यही होता है, और तो छोटी मोटी चीज़ें, मेन तो यही होता है, समझ रहे हो। तो अपने आप को एडजस्ट करो, क्योंकि तुम्हें वहाँ रहना है, उसे वहाँ नहीं रहना, ठीक है। ये जनरल बातें हैं, अगर तुम्हारे साथ ज़्यादा ही कुछ हो रहा है तब अलग बात है, तब तुम केस करो बिल्कुल। लेकिन अगर तुम छोटी मोटी बातों के लिए कर देते हो ना, भाई मेरे को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, ये है वो है, तो भाई एक दो दिन विधवा औरतों के साथ गुजार के देखो, तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो और जो ये लॉज है ना, इनका मिसयूज मत करो, तुम्हें बैकफायर कर जाएंगे। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। बाय।